मोदी के राज में अपराधी जो था वो रात में गांव लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो दीने में कलम लगाकर लूट रहा। लालू यादव के जंगल राज में बिहार में अपराध अपने चरम पर था। उस दौर में बिहार में लूट, बलात्कार और मर्डर होना एक आम बात थी। आए दिनों बिहार में नरसंहार हो रहे थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राबड़ी देवी के राज में अकेले साल 2004 में ही मर्डर की 3948, अपहरण की 3413 और रेप की 1063 घटनाएं दर्ज हुई थी। आरजेडी के शासनकाल में लोग जहां अपराधियों के गुंडा राज से त्रस्त थे, तो वहीं नीतीश के राज में लोग अधिकारियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 75% लोगों को अपना काम करवाने के लिए घूस लेनी पड़ती है। बिहार में पीएम आवास और हर घर नल का जल जैसी तमाम योजनाओं के लाभ के लिए घूस देनी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे अधिक 47% घूस संपत्ति पंजीकरण और 29% घूस पुलिस विभाग में देनी पड़ रही है।